हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के आईक्यू में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। यह सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपके लिए 3 सेट करा दिए, उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में जा सकते हैं। और आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से, प्रश्न नंबर 1, मतलब कि मैंने आपके लिए 60 पहले करा दिए हैं, अब प्रश्न नंबर 61 से 61 होंगे। प्रश्न नंबर 61, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? इसका सही उत्तर है मोगा। मोगा भारत का प्रथम शक राजा था, आपको याद रखना है मोगा प्रथम शक राजा था भारत का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? इसका सही उत्तर है यवन। यवन ने स्ट्रेट गोज की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? इसका सही उत्तर है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के यवन पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनाइंडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहां बनाई? इसका सही उत्तर है तक्षशिला में। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनाइंडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी बनाई थी, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? इसका सही उत्तर है हेलियोडोरस ने। प्रश्न नंबर 66, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? इसका सही उत्तर है यवन। यवन के राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, ग्रंथ कथा की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है गुणांगे। गुणांगे के ग्रंथ कथाओं की रचना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? इसका सही उत्तर है ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन राजाओं से अपने सातवाहन राजा ने शक राजा मतलब कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से अपना मालवा को वापस जीत लिया था, आपको याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, इसमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है नासिक। नासिक शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपकी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्त सती की रचना की? इसका सही उत्तर है राजा हाल ने गाथा सप्त सती की रचना की थी, यह सातवाहन वंश के राजा थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी, आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी थी? इसका सही उत्तर है लुम्बिनी। क्यों, कौन से? लुम्बिनी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, शतपद ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपके लिए, आपको उत्तर जरूर याद रखना है इसका। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद, आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के डोलबीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है सी। इसके शहरों को तीन भागों में विभाजित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है सी। तीन और चार कौन कौन से, कोसल और मगध जो राज्य थे वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसने असत्य पूछा, सत्य नहीं पूछा, तो आपको यहां पर कंफ्यूजन है। क्या बहुत से बच्चे सत्य लगाएंगे, देख लेंगे पहला ऑप्शन सही है दूसरा सही है, बट उसमें असत्य पूछा उसने। इसका सही उत्तर है वेतन की अधिकता नहीं, मतलब कि अधिकता नहीं थी, तो इसमें तीन ऑप्शन सही है और एक गलत है, कौन सा डी, मतलब कि पहला सही है। अर्थव्यवस्था थी, कई अनाज की खेती होती थी, कृषि आधारित समाज था, बट वेतन की अधिकता नहीं थी। प्रश्न नंबर 77, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है चरण। चरण विद्यालयों में प्रयोग किया जाता है, शाखा किसकी, वेदों और वेदों की शाखाएं सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है बररुचि ने प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79, मेघ स्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे जाने कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, यह गलत सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? इसका सही उत्तर है साइलेक्स ने सबसे पहले भारत के बारे में लिखा था, ग्रीक विद्वान थे ये। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के पास में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम पर वीडियो को खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।